अब देखो बाराबंकी जिले में औषधि निरीक्षक अधिकारी सीमा मैडम बहुत एक्शनमा दिखाई देती हैं और का देखा तो वे निरीक्षण करने खातिर पहुंच जाती हैं फतेहपुर कुर्सी क्षेत्र में। बढ़िया निरीक्षण करती हैं, कम से कम 20 मेडिकल स्टोर उनका देखाती हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए पाए जाती हैं। आपका बता दें कि देखो भैया ऐसा है, डीएम सत्येंद्र कुमार जी साफ तौर से कह रखी हैं कि जितने मेडिकल स्टोर हैं हर कोई वक्त सीसीटीवी कैमरा लगाए रखे और इसके साथ साथ नारकोटिक्स औषधियों की अनधिकृत व्यक्तियों को बिक्री किए जाने पर साफ तौर से रोक लगी पड़ी है। जी का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका देखा खाते देखा दी हो। सीमा सिंह जी पहुंचाती हैं और सघन चेकिंग अभियान चला करके देखा दाखाती हैं। कम से कम 20 मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया जाती है। हम गलत तरीका आपका बता दी, बाकी आपकी कार्य कमेंट करो, दूसरा खबर देख लियो। अब देखो भैया बाराबंकी के बंकी नगर पंचायत के तमाम सभासद और डीएम साहब लगे पहुंच जाती हैं और अपनी समस्या बतावती हैं कि देखो डीएम साहब मामला यूं है कि बाराबंकी जिले के बंकी नगर पंचायत में बहुत भ्रष्टाचार है और अधिशासी अधिकारी की लापरवाही देखने को मिलती है। 5 महीना हो गया साहब, अभी तक बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई गई, बताइए साहब ऐसे कैसे काम चलेगा? आप इतनी ध्यान दीजिए और कार्रवाई कीजिए। ऊपर से मैडम जी यहाँ रहती भी नहीं है, लखनऊ से अप डाउन करती हैं, जबकि यहाँ रहना चाहिए उनको। अगर कोई आकस्मिक कार्य पड़ जाए तो मैडम जी लखनऊ में है, बताइए साहब तरीक देखिए और कार्रवाई कीजिए। अब रजीत सिद्दीकी जी के नेतृत्व में तमाम सभासद हो जाती हैं, डीएम सत्येंद्र कुमार जी का शिकायत बतावती हैं, अप्लीकेशन देती हैं और डीएम सभा आश्वासन देती हैं। इस दरमियान देखा तो जमुना देवी भी रहा है, अंजू भी रहा है, तमाम सभासद और मौजूद रहे, बाकी आपकी कार्य कमेंट करो, दूसरा खबर देख लो। अब पूर्व विधायक जी की सारी समस्या ये है कि उनको कमीशन नहीं मिल रहा है। अब कमीशन नहीं मिला यही खातिर पूर्व विधायक की शिकायत कर रहे हैं। हमने बोली था फरीद महफूज किदोई जी बोलते हैं, देखा तो भैया क्या बोलते हैं। हम गलत तरीका आपका बता दी कि देखो भैया ऐसा मामला बाराबंकी जिले के सरौली गौसपुर ब्लॉक का है जहां पर बतावा जाता है कि बहुत भ्रष्टाचार है, जिससे आक्रोशित होकर के भाजपा नेताओं ने डीएम साहब से मुलाकात की और शिकायत कर दिया। बतावा यूं जा रहा है कि देखो भैया लगा रहा है ब्लॉक में 5 स्टोरी आम का पेड़, जी का कटवा दिया जाती है प्रधान के साथ मिली भगत करके, जिसके बाद FIR दर्ज होती है। अब संतोष कुमार पांडे जी आरोप लगावती है, उसके बाद मामला पहुंचाती है पूर्व विधायक शरद अवस्थी जी लगे। शरद अवस्थी जी मंडल अध्यक्ष संतोष कुमार पांडे जी का अपने साथ ले जाती हैं और डीएम साहब का कम से कम 7 सूत्री मांगों को लेकर के ज्ञापन देते हैं कि देखो साहब ऐसा है बाराबंकी के सरौली गौसपुर ब्लॉक में बहुत भ्रष्टाचार है, जिसके बाद होना का था भैया। डीएम साहब आश्वासन देते हैं कि हम जांच करके कार्रवाई करेंगे। अब तनिक सुनो भैया संतोष कुमार पांडे का कह रहे थे, पहले इनकी बात सुनो फिर आगे और बताते हैं आपको। जिला नेतृत्व के निर्देशानुसार जो ब्लॉक परिषद में 3 वर्षों से प्राप्त भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ ज्ञापन दिया गया है और ब्लॉक परिसर के अंदर जो अवैध रूप से जो सरकारी पेड़ थे आम के उनको अवैध तरीके से कटवाया गया है रात में, और उस संबंध में जो FIR दर्ज हुई है वो वहाँ के 4th क्लास परमानंद वर्मा के ऊपर की गई है, जो अवैध है वो निर्दोष है, जो दोषी है उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए, इसी संदर्भ में आज ज्ञापन दिया गया है डीएम महोदय को। अब संतोष कुमार पांडे जी कार्रवाई की मांग करते हैं भैया और देखा तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा होता है। अब ऐसे वक्त फरीद महफूज किदवई जी क्या कह रहे हैं, तनिक सुनो भैया। रामनगर के विधायक हैं, पूर्व विधायक जी कभी सही शिकायत भी नहीं करते बल्कि गलत आदमियों का साथ देते हैं। अब पूर्व विधायक जी की सारी समस्या ये है कि उनको कमीशन नहीं मिल रहा है यहाँ से, तो भाई वो खफा है, तो अब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये वो जाने, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हम इनकी इस कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हम पूरी तरह से रेणु वर्मा का साथ देंगे, रेणु वर्मा हमारी लड़की की तरह है। अब फरीद महफूज किदवई जी की बात सुनिए आपने भैया, रेणु वर्मा जी के साथ ही खड़े दिखाई दे रहे हैं, बाकी आपकी कार्य कमेंट करो भैया। अब तो जांच के बाद है कुछ कहा जा सकता है कौन दोषी कौन आरोपी है, लेकिन महासंग्राम छिड़क हुआ है, सब जने एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, बाकी दूसरी खबर देख लो। अब यू देखा भैया केक खिला रहे थे वहाँ भैया, बहुत मीठ मीठ केक है और बढ़िया केक लगा भी रहे थे, हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे थे ताजवार इन, बढ़िया देखा तो BDS जी का हैप्पी बर्थडे मना होता है। हम कल तरीका आपका बता दी कि देखो बढ़िया बाराबंकी जिले में सभासद ताजवार इन बढ़िया देखो सरप्राइज देती हैं, BDS जी का हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, बढ़िया अपने हाथों से केक खिलावती हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देती हैं। इस दरमियान देखा तो भाईचारे का संदेश दिए थे, तमाम सभासद उपस्थित दिखाई दिए, इतना ढेर सारे सभासद रहे, बाबू भी रहे, रोहित भी रहे, पंकज भी रहे, बाकी आपकी कार्यक्रम के दूसरा खबर देख लो। अब जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में हुए आनंद हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया और आखिरकार जहांगीराबाद की पुलिस एक्शन में आती है, आरोपी चाचा को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। आपका बता दें कि देखो भैया ऐसा प्रेम प्रसंग के चलते आनंद की हत्या की जाती है और लड़की का चाचा अब गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया है, जहांगीराबाद थाना क्षेत्र का मामला रहा। हम गलत तरीका आपका बता दें, बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शाम को इसी पर मिलेगी, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।